मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ ना तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं बिपिन यादव, और चलिए आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एकदम अति मतलब कहिए इसको तो जरूरत है। इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आइए सवाल पर आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं आपसे। पहला सवाल क्या है देखिए, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा, कहता है कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। तो कई तरीके हैं इसके बनाने के, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल को 15 और 85 के बीच कहा है ना, तो एक लिख देना है, 15 और 85 दोनों बाउंड्री लिख दिया, बीच का है तो लास्ट वाला में से एक कम करना है। उसके बाद 7 से इसमें भी भाग, 7 से इसमें भी भाग, बीच में देना है माइनस। और एक आ रहा है यहां बीच में गलती से, ठीक है। चलिए अब आइए, 7 से इसको काटिए, भागफल के पूर्णांक भाग को लिखिए, दशमलव वाला को नहीं लिखिए। 7 दूना 14, ये तो हो गया 84। 84 को 7 से काटिएगा, 12 से 84। अभी दोनों को घटा लीजिए, 12 में से 2 घटा दीजिए, जैसे ही छोटा है बड़ा है तो 10, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी 10 को संख्या होगा जो कटेगा। अच्छा, इसी सवाल में अगर तक वाला रहता कि 85 बीच न कह के यहां तक कहता, तो आपको ऐसे करना था, 15 85 लिखना था, तक वाला में पहले वाला में से कम करते, बीच वाला में से बाद वाला में से कम, यहां भी 7 से भाग देते, यहां भी 7 से भाग देते, यहां माइनस करते। अच्छा, इसका भी अगर उतना ही आता है तो जरूरी नहीं कि उतना ही हमेशा आएगा। जैसे 14, 14 को 7 से काटे 2, इसको काटेंगे भागफल के पूर्णांक भाग को ही लिखेंगे, दशमलव वाला नहीं। तो 12 सत्ते 84, 12 दशमलव कुछ, अब 12 में से 2 घटा लेंगे तो 10 आएगा। अगर आपसे कहता कि 7 से 85 तक कितने संख्या है जो 7 से कटे, 15 से 85 तक कहता तो भी आपका 10 ही आता, और 15 और 85 के बीच का है तो भी 10 ही आए। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, तक कहे तो बाद वाला में से कम, तक कहे तो पहले वाला में से कम, आप बाद सॉरी बीच कहे तो बाद वाला में से कम, बीच कहे तो बाद वाला में से कम, तब बनाइए सवाल। अगला सवाल है कि जब 4 के पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये कोनो बड़का बात नहीं है, 4 के पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएगा। एक काम करिए, शेष निकालना है ना, अभी पावर को छोड़िए और 4 में 3 से भाग लगाकर शेष लिख लीजिए। 4 में 3 से भाग दीजिएगा, शेष 1 आएगा, पावर 13 है तो 13 चढ़ाइए, फिर 3 से भाग देंगे। 1 के पावर 13 एक ही होता है, 3 से भाग देना है, अब भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर यानी शेष 1 ही होगा। जब भाग लगना बंद हो जाएगा तो शेष हो जाएगा वही, भाग लगना बंद हो गया तो भागफल ही शेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए प्रश्न क्या कहता है। सवाल यह है कि 91 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है जो 91 से कटेगा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते हैं कि 5 × 9 होगा। इसको 91 से काट के देख लीजिए, अगर आपको कहता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, भाग देते, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है जो 91 से कटे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा और 91 से हम भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8, ये गया 9, उतरेगा भाग नहीं लगेगा, 0 देकर एक और 9 उतार देंगे। अब 9 बार में लगा सकते हैं तो 9 और 9 9 81, देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो कितना हुआ 8। चलिए अब ये गया बात खत्म, अब एक 9 उतरेगा, अब 9 बार में लगा नहीं सकते क्योंकि 9 बार में तो 819 हो जाता है,
हम 8 बार में ही लगा देंगे, 8 एकम 8 और फिर लगा देंगे तो 8 नमा 72। चलिए 8 एकम 8 8 नमा 72, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, 9 में से 8 गया तो 1। अब ये है आपका 10, 10 में से 2 गया तो 8। अब बताइए ये खत्म। आपको क्या कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों कटने का 2 तरीका है। एक, इन दोनों का अंतर अगर जोड़ दोगे इसमें, इन दोनों का अंतर आएगा 10, इस 10 को अगर यहां ऐड कर दोगे तो भी वो संख्या कट जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की हो जाएगी कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर 1 भी ऐड कर देंगे तो 6 अंक की संख्या हो जाएगा, और हमसे पूछा है 5 अंक में तो जोड़ेंगे नहीं, कट तो जाएगा लेकिन 6 अंक की संख्या हो जाएगा। अब हमारे पास एक चीज और बचता है कि कट जाता लेकिन 81 फलतुआ बचा, यही फलतुआ है, इसी को कम कर देते हैं। इसमें से अगर आप 81 कम कर देते हैं, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया 1, 3 गो 9 और, तो ये संख्या भी कट जाएगी और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कट जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है, तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये कोनो बड़का बात नहीं है, दो संख्या में पहली संख्या का 38%, मान लीजिए पहली संख्या है इसका 38% का मतलब गुना, पहली संख्या का 38% और दूसरी संख्या का 52% आपस में क्या है, समान है, समान कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं, प्रतिशत प्रतिशत गया। और चलिए काट दीजिए, तो पहली संख्या इधर बट्टा में, अच्छा इसको 38 के आधा 19 लिख सकते हैं, 52 के आधा 26 भी लिख सकते हैं, पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या हो जाएगा, उधर 26 बट्टा 19 हो जाएगा, इसको आप 26:19 भी लिख सकते हैं, 26:19 ऑप्शन बी में है। ठीक, चलिए आगे आइए देखिए अगला सवाल को। सवाल क्या कहता है, संख्या 72 को इस तरह से 2 भाग में बांटा गया है कि 1 भाग के 20% अन्य भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग निकालें। कहता है 1 भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। लीजिए प्रतिशत प्रतिशत कटा, 25 5 चौके 20, ये पहली संख्या बट्टा में आएगा दूसरी संख्या, बराबर 5 बट्टा 4 हुआ, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 5:4 का हुआ, 5 बट्टा 4 मतलब 5:4। दोस्तों सवाल है कि ये 72 है संख्या टोटल, यानी ये दोनों मिलाकर कितना है 72, लेकिन दोनों मिलाकर अनुपात में तो है 9 और रियल में है 72, दोनों का योग अनुपात में 9 है और रियल में 72 है, तो दोनों योग है इसलिए आपस में बराबर कर दिया। अब 1 का वैल्यू 9 8 72 8, तो सवाल आपसे पूछा है कि दोनों भाग निकालें, 1 का मान 8 है तो 5 का मान 8 5 40 और 4 का मान 8 चौके 32, 40 और 32 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। आइए अगला सवाल पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या है, कहता है कि 2 अंक की 1 संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है, संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, संख्या कितनी है। अच्छा ऐसा सवाल जिसमें कोई कंडीशन दे दे, 1-2 शर्त दे दे और फिर वही संख्या आपसे पूछे, तो वो संख्या 4 गो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, वो 4 ऑप्शन में से एक चेक करके पता कर लीजिए कि कौन सा है। जैसे कहता है कि 2 अंकों की 1 संख्या के उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है, उस संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुना है, मान लीजिए ये 42, तो ये 42 है तो ये अंकों के जोड़ कितना हुआ 6, ये 6 का 7 गुना होता है क्या 42, हाँ ये शर्त पूरा कर दिया, संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम हो जाती है, ये 42 था, अगर अंक बदल देंगे तो 24 हो जाएगा, तो क्या 18 कम है, 12 में से 4 गया 8
और ये तीन में से दुगया एक कम, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, अगला सवाल, किन्हीं चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ये बात याद रखिएगा कि लगातार कोई भी चार गो संख्या के गुणनफल को हमेशा 24 काट देता है। जैसे देखिए, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार, इसका आंसर निकालने का ये तरीका है, एक से चार तक गुना कर दीजिए, ये 24 हुआ ना। ये 24 ऐसी संख्या है जो किसी भी चार गो लगातार संख्या के गुणनफल को काट देगा। जैसे कहां से ले लीजिए आप, 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84, इसके गुणनफल को ना 24 काट देगा, 24 हमेशा काट देगा। काटने का मतलब है कि नीचा कुछ नहीं बचना चाहिए, तो कट गया। अब काट के देखिए आप, 24 है तो 12 से काटिए, 7 बार में 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, और 2 से काट दीजिए 82 को, 41 दूना 82, नीचा कुछ नहीं बचा, मतलब संख्या पूरी तरह कट गया। जैसे आप सोचिए ना, 6 गुना 4, इसको 2 काट देता है कि नहीं पूरी तरह, तो कहिएगा हाँ काट देता है, कैसे, तो 2 3 6, नीचा में कुछ नहीं बचा, मतलब संख्या कट गया। तो यहां देखिए 24 से भाग दिए, नीचे कुछ नहीं बचा। ये 24 जो है, क्योंकि लगातार एक गुना दो गुना तीन गुना चार है ना, ये होता है 24, और ये 24 ऐसी संख्या है जो कहीं से लगातार चार गो संख्या के गुणनफल को काट देगा, चाहे वो कहीं से हो। मान लीजिए कि आपको जोड़ना हो कि 501, फिर 502, 503, 504, इनके गुणनफल को हमेशा 24 काट देगा, 24 से कटवा के देखिए काट देगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, प्रश्न है कि 41 से पूर्णतः विभाजित होने वाली पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस बार पूछ दिया है पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, जबकि पीछे था पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा है, तो हम पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेंगे, एक पर 4 0 दे दिए। लेकिन दोस्तों, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए नहीं कहा हमसे, कहा कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 41 से कटेगी। तो अब क्या करेंगे, इसको 41 से भाग लगाएंगे, चाहे ये बड़ी संख्या कहता या छोटी संख्या कहता, तो हम ये काम जरूर करते। तो 2 बार में लगा देंगे तो 41 दूना 82 हो जाएगा, शेष बच जाएगा 18 अपने पास, एक 0 और उतार देते हैं, तो 41 से हम लगा दे तो मान लीजिए कि 4 बार में, 5 बार में लगाइएगा तो 4 5 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार लगा देते हैं, 4 4 4 16 लीजिए, 64 16 80 हो जाता है यहाँ। चलिए 16, अभी 0 बच गया, 0 बच गया तो अब 3 बार में ही लगेगा, 3 बार में लगेगा तो यहाँ 4 3 12 123, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 गया 3, यानी 37। दोस्तों शेष बचा मेरे पास 37। अब समझना है कि कहता है कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 41 से कटे। कटने का 2 तरीका, एक तो इन दोनों का जो अंतर आएगा 41 और 37 में 4 का अंतर, वो जोड़ दीजिए इसमें तो भी कट जाएगा। और एक और तरीका है कि 37 इसमें से घटा लीजिए तो भी कट जाएगा, 37 ना फलतुआ है, एक्स्ट्रा है, इस 37 हटा दीजिएगा ना तो भी कट जाएगा। लेकिन ये पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर 37 कम करिएगा तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं रह जाएगा, ये 4 अंक में चला जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करते हैं, जोड़िए देते हैं, तो जोड़िएगा क्या, तो इन दोनों का अंतर जोड़ना होगा, अंतर जोड़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना जोड़ना होगा इसमें, इन दोनों का अंतर क्या है, 4 4 जोड़ दीजिए, 1, चलिए 3 0 हो गया, 4 हो गया, 5 अंक में हो गया ना, तो देख लीजिए कहाँ है, यहाँ, ये हो गया इस सवाल का जवाब। आइए आगे बढ़िए, सवाल है छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा सवाल है ये।
कहता है तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना होगा, तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत, तब पहला हुआ तीन, अब पांच गो गुणज का है ना, तो तीन पचे कितना होता है पंद्रह, लास्ट हो गया। ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग लगा दीजिए, औसत निकल गया। दो संख्या को जोड़ते दूसरे भाग, पंद्रह तीन अठारह, अठारह को दूसरे भाग दे दिया तो आंसर आया कितना, नौ। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा ये बढ़िया टेक्निक है। अब तीन के प्रथम पांच गुणज मतलब होता है तीन, तीन दूना छ, तीन तिहाई नौ, तीन चौके बारह, तीन पचे पंद्रह, इतने होते एक दो तीन चार पाँच। तीन के प्रथम पांच गुणज मतलब जो तीन से पांच गो संख्या जो कटने वाला हो प्रथम, इन सब को जोड़ते और सब को जोड़ने के बाद आप देते पांच से भाग, क्योंकि पांच गो संख्या है तो भी उतना ही आता, क्योंकि सब को जोड़ के आएगा पैंतालीस, पंद्रह बारह सत्ताईस, सत्ताईस नौ छत्तीस, छः बयालीस, तीन पैंतालीस, पैंतालीस को पाँच से काटिएगा तो नौ आया ना, तो ये हुआ जवाब। लेकिन हमने क्या बताया आपको, तीन के प्रथम पांच गुणज, तो पहला संख्या तीन और लास्ट संख्या, तो प्रथम पांच गुणज का है तो तीन पचे पंद्रह, इसको जोड़ के दो गो को जोड़ना है तो दुए से भाग देना होगा, पंद्रह तीन अठारह, अठारह को दो से भाग दिए तो नौ आया। ठीक, आइए चलिए अगला सवाल। कहता है कि दो अंक की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल आठ है, यदि संख्या में अठारह जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है। कहता है कि दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल आठ है, तो इसको गुना करिए आठ, इन दोनों का अंक गुना करिए आठ, इसका भी आठ, इसका भी आठ, गुना करने पर दोनों अंकों को गुना करने पर आठ, यानी पहला एग्जाम सब पास कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में कि कौन पास करता है। कहता है कि यदि संख्या में अठारह जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाता है, इसमें अठारह जोड़ेंगे तो उल्टेगा, इक्यासी होगा क्या, ना। इसमें अठारह जोड़ देंगे तो ये चौबीस हो जाएगा क्या, ना। उलट जाएगा क्या, ना। इसमें अठारह जोड़ेंगे तब भी ना, इसमें बस तीन गलत तो है सही, कहे कि चौबीस में अट्ठारह जोड़ देंगे तो बयालीस हो जाएगा, तो चौबीस था बयालीस हो गया, उलट गया, सही है। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।